वेलकम बैक वंस अगेन नौकरी खबर डॉट कॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BPNL यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से आ चुकी साल 2022 की नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 7,800 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। आप सभी के लिए आवेदन करने की आखिरी डेट 3 फरवरी 2022 की रखी गई है। आपके पास काफी कम समय है आवेदन करने के लिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग आवेदन जरूर से फिल करें। आपको बता दें कि अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं या 12वीं पास हैं और आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए यहां पे काफी ज्यादा नंबर वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। अगर आपको वीडियो आपके काम की लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोज की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अभी मैं आवेदन करने के बारे में जानकारी देने वाला हूं, इसके बाद नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी की पूरी जानकारी भी प्रोवाइड कराऊंगा। इस वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहां पे क्लिक करते हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना होगा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं 21 और 22 अप्लाई ऑनलाइन, यहां पे आपको साथ से लिंक भी दे दिया जाता है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, आप लोग इनके एक और पेज पे आ जाते हैं जो कि इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का होता है। आपको इस पे सबसे पहले एक पोस्ट सेलेक्ट करनी होती है। आपको यहां पे प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की, प्रशिक्षण प्रभारी की, प्रशिक्षण समन्वयक की और प्रशिक्षण सहायक की पोस्टें मिल जाती हैं। आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पे ग्रेजुएशन ऑलरेडी क्लिक होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पे अलग अलग जो है तो पोस्टें होती है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 10वीं पास वालों के लिए पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन ऑलरेडी आ चुका है। और अगर आप लोग प्रशिक्षण समन्वयक सेलेक्ट करेंगे जो कि 12वीं पास वालों के लिए है, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फादर या हस्बैंड नेम फिल करना है और हस्बैंड या फादर का फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद एक ईमेल आईडी और यहाँ पे एड्रेस, और साथ में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। चूंकि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग कोई सा भी अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद स्टेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट, तहसील और ग्राम पंचायत के साथ पिन कोड जरूर यहां पे फिल करिएगा। इसके बाद आपको अपनी एक फोटोग्राफ जो कि 100 MB के साइज की होगी, सॉरी KB के साइज की होगी, उसको अपलोड करेंगे और सिग्नेचर जो कि 50 KB के साइज का होगा उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन की बटन के सामने जो आई एग्री की बटन है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखना चाहते हैं अप्लाई करने की, तो इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। तो अभी हम नोटिफिकेशन को कंप्लीट यहां पे देख लेते हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड और यहां पे आपको प्रशिक्षण विभाग देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पे देख सकते हैं, बताया गया है कि इस भर्ती के लिए परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा आप मोबाइल पर कंप्यूटर सेंटर साइबर कैफे से दे पाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा की जो दिनांक है, समय की सूचना आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर इस भर्ती की अंतिम तिथि से आगामी 30 दिन बाद भेज दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ जानकारी दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें और अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करेंगे तो एक और PDF आपके सामने ओपन होगा, जो कि इस वैकेंसी का पूरा PDF होने वाला है। इसमें आपको सारी की सारी पोस्टें दी गई हैं। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए 75 पोस्टें हैं, प्रशिक्षण प्रभारी के लिए 600 पोस्टें हैं, प्रशिक्षण समन्वयक के लिए यहाँ पे आपको जो है तो 1200 और प्रशिक्षण सहायक के लिए 6000 यहाँ पे पोस्टें मिल जाएंगी। इसके बाद मासिक वेतन की बात करें तो यहाँ पे पहली जो पोस्ट है 21,700, सेकंड वाली के लिए 18,500 और थर्ड नंबर वाली के लिए 15,600 और फोर्थ नंबर के लिए आपको 12,800 रुपए तक दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन वाले पक्ष में समस्त वांछित सूचना अंकित करनी होगी और इसके बाद यहाँ पे आपको योग्यता भी बताई गई है। योग्यता के अंदर फर्स्ट नंबर जो पोस्ट है प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की, इसके अंदर आपको स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षण यहाँ पे प्रभारी के लिए यहाँ पे आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रशिक्षण समन्वयक है, यह 12वीं पास होना चाहिए। और जो प्रशिक्षण सहायक है, यहाँ पे आपका
दसवीं पास होना चाहिए। इसके बाद अन्य योग्यता है चरित्र आपका उत्तम होना चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आपकी आयु है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो अंतिम वाला यहाँ पे 18 से 40, बाकी के लिए 21 से 40, और यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए यहाँ पे 25 से 45 साल रखा गया है। आवेदन करने की आखिरी डेट 3/2/2022 यानी कि 3 फरवरी की रखी गई है, और इसके बाद आवेदन शुल्क है और आपका काम क्या रहेगा इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर चेकआउट करें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपके लाभ देखिए, लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 15,600 देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 1500 रुपये भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे आपको कई तरह से जो है तो फायदे मिलेंगे। पहले तो आपके वेतन में 10% का इजाफा हर साल किया जाएगा, और इसके अलावा 1500 रुपये पर मंथ का यहाँ पे भत्ता भी आपको दिया जाएगा। यह सब प्लस करके आपको वेतन के रूप में ही दिया जाएगा। यहाँ पे आपका चयन है, चयन जो है तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम और इसके बाद इंटरव्यू के बेस पे होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में जानकारी दी गई है। साक्षात्कार परीक्षा भी होनी है, और इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे नंबर भी दिए जाएंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। परीक्षा का स्थान देख सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम रहेगा, आप लोग घर पे मोबाइल से साइबर कैफे लैपटॉप डेस्कटॉप के माध्यम से यहाँ पे दे पाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अलावा देखिए आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर स्वयं का भरें, यानी कि आपको खुद की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन परीक्षा का स्कीम सिलेबस पैटर्न है क्या रहेगा। 50 जो है आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसके लिए आपको समय 30 मिनट का दिया जाएगा, और इसके अंदर आपको जो है तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी कि गलत उत्तर के लिए आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, और इनमें से कम आपको 36% अंक लाने अनिवार्य होंगे ताकि आप लोग जो है तो यहाँ पे पास कर पाएं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का छूट या आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। देन अगर बात करें कि यहाँ पे और क्या क्या आपको सुविधा मिलेगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का परिणाम भी है और ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी में मुहावरे हैं, अलंकार है, शुद्ध वर्तनी है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, समास है, भारत में कृषि एवं पशुपालन के बारे में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके बारे में आपको आगे और मैं डिटेल में एक दूसरी वीडियो के अंदर जानकारी दे दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पशुपालन विभाग की तरफ से आ चुकी भर्ती 2022 के बारे में। यहाँ पे आपको टोटल 7,875 नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी, जहाँ पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोग केवल 10वीं पास है तो भी आपके लिए 6,000 पदों पर वैकेंसीज हैं। 12वीं पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वालों के लिए भी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आ चुकी है। 18 से 45 साल की एज रहेगी, ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट है 22 के लिए। अधिक जानकारी के लिए लिंक working.org पे आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कंट्रोल ऑफिसर की, ट्रेनिंग असिस्टेंट की, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर और ट्रेनिंग इंचार्ज की पोस्टें मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात करें कि सारे के सारे इंपोर्टेंट लिंक आपको कहां से मिलेंगे, तो यहां पे स्क्रॉल करेंगे, इंपोर्टेंट लिंक है जहां पे आपको अप्लाई का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन दिया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग आवेदन करने की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करने की वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।